अस्सलामुअलैकुम पाक पुलिस, मेरा नाम है सुनील माजर, मैं पाक पुलिस यूजर रिव्यू सीरीज़ के एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरे साथ उसामा मौजूद है। उसामा, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं जी, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। उसामा भाई, सबसे पहले हमारे यूजर्स के लिए बताइए, आपकी जो गाड़ी है इसका मेक, मॉडल और वेरियंट क्या है? इसका मेक है जी MG। ठीक है जी। मॉडल 23 है। सही है। मैनुफेक्चरिंग भी 23 की है और इम्पोर्ट भी ये 23 की है। ये मैंने यहाँ लोकल MG फ्रेंचाइज से ली है। ठीक है। एंड इट्स एन लोकल से ले ली MG 23। MG4 इलेक्ट्रिक है बेसिकली। जी, MG4 ऑल इलेक्ट्रिक। ऑल इलेक्ट्रिक। अच्छा, तो ये बताइएगा कि आपने ये गाड़ी बुक कराई थी, ऑन पे ली, कब आपको पहली बार पता लगा था कि MG4 आ रही है और आप मार्केट में इलेक्ट्रिक गाड़ी ही बाय करना चाहते थे कि एक बजट लेके निकले थे और आपने उनमें से सिलेक्ट की, तो ये आपके बजट में आ गई, कैसे आपने अप्रोच की इस गाड़ी? मैंने इलेक्ट्रिक गाड़ी का तो वैसे नहीं सोचा था। ठीक है। लेकिन जब ये लॉन्च हुई थी तो मैं इसकी लॉन्चिंग पे गया था। सही है। और ये मुझे खूबसूरत बहुत लगी थी। ठीक है। तो फिर मैंने इस वक्त ही प्लान किया था कि ये लेनी है। सही है। फिर मैंने इसकी बुकिंग डाली थी और 50 लाख से इसकी बुकिंग थी। ठीक है। और एक महीने में से 3 महीने तक की उन्होंने डिलीवरी टाइम दिया था, टेंटेटिव डेट थी। सही है। और ये टोटल कितने की आपको कॉस्ट की? 110 की जी। ये 1,10,50,000 की मुझे कॉस्ट की है। ठीक है। और 110 में आपके पास जिस तरह होता है कि आप इलेक्ट्रिक के कस्टमर ऐसे नहीं थे, आप सिर्फ गाड़ी देख रहे थे, तो और क्या क्या ऑप्शन थी इतने पैसों में? RS टर्बो थी और वो सोनाटा थी। RS टर्बो सोनाटा। अच्छा, बाकी जो क्रॉस ओवर हैं जिसमें आपके पास आ जाती है स्पोर्टेज, टूसॉन, इनमें से किसी को आपने कंसिडर? वो मेरे पास ऑलरेडी थी, टूसॉन भी है और MG भी है। ठीक है। HS। तो उसके बाद आपने कहा कि मैं सोनाटा आती है तकरीबन 120 के करीब जी, और दूसरा आपने क्या बताया था दूसरी गाड़ी? आरएस टर्बो। तो वो सस्ती होगी थोड़ी, वो 1-2 में थी। ठीक है। तो उन तीनों में से आपने इस पे सेलेक्ट किया बिकॉज ऑफ इट्स लुक और एक नई चीज़ आ रही थी जी। अच्छा, और इसको मतलब जब आपने ले लिया है, कितना से अब आपके पास है तकरीबन? इसको हो गए मेरे पास 3 वीक्स। ये बड़ी चलाई यार आपने 3 वीक में 1,096 जी। कहाँ, शहर में चलाई कि लॉन्ग में लेके? सिर्फ शहर में चला। लॉन्ग में तो वैसे खाली लेके नहीं जा सकते? अभी नहीं लेके गया। जा सकते हैं लेके? हाँ, मैंने उस दिन फ़ोन किया था उनको, बहरा वालों को, तो उन्होंने कहा बिल्कुल हम अवेलेबल हैं, हमारे पास लाइट का भी इशू नहीं है, आपने अगर आना है तो आज ही तो ईजी जा सकते हैं इस्लामाबाद। तो इसकी रेंज 350 कंपनी क्लेम करती है, आपको प्रैक्टिकली मिलती कितनी रेंज? मैंने अभी तक जो इससे मैक्सिमम लिए ना वो 310 लिए। अच्छा, सिटी के अंदर 310, बट आजकल एसी नहीं चल रहा लेकिन हीटर चलाते हैं। हाँ जी, हीटर ऑन है तो उसकी तो रेंज और नीचे आती है, तो हीटर अगर बंद होगा तो रेंज बेहतर हो जाएगी। तो दिस मीन्स 320-310 के करीब चल रही है जी। ठीक है। और बहुत ज़्यादा पैडल भी इसके अंदर बैटर करता है कि अगर आप पुश करते हैं तो फिर रेंज कम होती है। बिल्कुल सही। इसमें मोड्स कितने हैं ड्राइविंग में? इको, स्पोर्ट्स और भी हैं? 5 मोड्स हैं, स्नो, इको, नॉर्मल, स्पोर्ट्स और कस्टम। ठीक है। अच्छा, एक तो आपने यही आपकी पहली इलेक्ट्रिक कार जी? इससे पहले मैंने ड्राइव की हुई है लेकिन जो ओन की है वो पहली है। ड्राइव कौन कौन सी की? ईट्रॉन GT की भी है। ठीक है। और टेस्ला मॉडल 3 की है। सही है। सो यू वर अवेयर कि जो इलेक्ट्रिक गाड़ी है उसमें कोई वो लैग नहीं और ये मतलब इंस्टेंट जी? बिल्कुल है। अच्छा, इसके मीटर के अंदर मुझे सामने चीज़ें नजर आ रही जिससे मुझे पता लग रहा है कि इसके अंदर 4-5 ऐसी ऑप्शन है जिसका पहले जिक्र कर लेते। उसमें रडार है? इसमें रडार है। अडैप्टिव क्रूज है? अडैप्टिव क्रूज है। ये आपको सारी सामने की ट्रैफिक बता रही है, मोटरसाइकिल भी बता रही है, वो तो इसका मतलब है इसके अंदर लेन की लेन से सारी ऑप्शन मौजूद है सारी। अच्छा, ओवरऑल लुक्स की अगर बात करें गाड़ी देखने में, तो मैंने भी जब इसका फर्स्ट लुक जब देखी थी तो गाड़ी बहुत ही खूबसूरत है। और गाड़ी का भी ये होता है कि जब आप पहली बार देखते हैं तो उस वक्त बहुत ही बहुत खूबसूरत लगती है। ऐसे ऐसे इंसान का तो कोई खास नहीं है, बट अब आपके पास ये तकरीबन महीने से है, सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट लुक ऑफ द कार? पहली लुक में तो हर एक को बहुत अच्छी लगी थी, अब ओवर टाइम आपको क्या लगता है कि हाँ यार पहली बार देख के मैं पागल हो गया था या वाकई इतनी खूबसूरत है? अगर ये कहें ना कि इसकी लुक्स बाद में ख़राब लगेंगी तो ऐसा नहीं, ख़राब नहीं लगेगा, होता है ना आहिस्ता आहिस्ता, पहले होता है कि नई नई लिए तो ये लव एट फर्स्ट साइट था, जैसे ही एंटर हुआ था उसी वक्त मैंने टाइम लव बढ़ना मुझे लग रहा है और ये लव बढ़ता जा बढ़ जा रहा है, यानी बहुत ज़्यादा मुझे पसंद आई। अच्छा, इसका ये स्क्रीन तो बहुत बड़ी है, ये ज़रा छोटी है हम गाड़ी के लिहाज से। इंटीरियर को क्या रेट करते हैं? इंटीरियर इलेक्ट्रिक गाड़ी के हिसाब से तो बहुत अच्छा है, अच्छा नहीं है, बाकी इंजन वाली ये पेट्रोल गाड़ी है ना उनके हिसाब से बहुत अच्छा है। मैं वैसे अगर टेस्ला से कंपेयर करूँ तो उससे थोड़ा मॉडर्न है, टेस्ला का थोड़ा सीधा सीधा होता है। इसमें इसकी जो लोकेशन है ना, जो उसका गियर का नॉब है, ये थोड़ी जीप सी है, बिकॉज अब मैं यहाँ बैठा हूँ मुझे यहाँ पे डी नज़र आ रहा है, बाकी नज़र नहीं आ रहा। या तो मैं इस तरह के देखूँ RND PU देखूँ, वरना अगर मैं अपनी ड्राइविंग पोजीशन में हूँ तो थोड़ा तंग करता है। हाँ, एक और मसला बताता हूँ, यहाँ पे इन्होंने ना वायरलेस चार्जर दिया है, यहाँ फ़ोन रखें तो ये हाल होता है क्योंकि आप पुश करते हैं और ये फ़ोन उड़ के पीछे जाता है। वायरलेस चार्जर काम करता है इसमें? इस मॉडल में नहीं है ये, तो चार्जर है नहीं, तो खाली ये नहीं जगह फिर इसका मतलब आप फोन यहाँ पे रखना। अच्छा, स्टोरेज स्पेसेस काफ़ी हैं बीच में, चाय का मग शग रखना हो इधर भी। अच्छा, शुक्र है आमरेस दे दिए, बिकॉज आमरेस ना हो ना तो मुझे तो होता गाड़ी में आप एक तरफ गिर जाएंगे। व्हील्स का फर्क है टॉप वेरिएंट में, माइलेज का फर्क है 100 किलोमीटर का और
बहुत सारे फ़र्क हैं इसके एम जी ऑटो पर। ये जो एम जी पायलट है वो ऑप्शन दे रहा है 9, उसमें 13 है, ठीक है। इसके अंदर 4 स्पीकर्स हैं, उसके अंदर 6 स्पीकर्स आते हैं, अलॉय व्हील्स बड़े हो जाते हैं, रेंज बढ़ जाती है। उसमें 360 कैमरा है, इसमें 360 कैमरा नहीं है, सही है। इसके अंदर बाकी सब कुछ ऑलमोस्ट सेम ही है। लाइट बार्स का फ़र्क है, पिछली लाइट उसकी पूरी है, इसकी हाफ है, पिछली वाली लाइट का फ़र्क है, इसके अंदर अगली सेम है जी, ठीक है। इसके अंदर स्पॉइलर, आपने काफ़ी चीज़ें याद की हुई हैं, इसका मतलब मेरा ख्याल लग रहा है कि आप अनकरीब इससे ऊपर वाले पे शिफ्ट करना चाह रहे हैं। बिल्कुल सही गैस किया। उसकी अगली इलेक्ट्रिक ग्रिल है, सही है, वो विद स्पीड जो है वो खुल बंद हो जाती है, सही, और ये फिक्स है, ये ओपन ही रहती है, ठीक है। बट बेसिक यही है, उसमें भी सनरूफ नहीं है, इसमें भी नहीं है, सिर्फ एडास के जो है इसमें 9 है, उसमें 13 फंक्शन है, 360 कैमरे का फर्क है, का भी फर्क है, ठीक है। उसकी ड्राइविंग सीट इलेक्ट्रिक है, हाँ, इसकी ड्राइविंग सीट भी मैंने मजदूरी की है, ये बिल्कुल सिंगल भी नहीं है, इसके अंदर लंबा स्पोर्ट भी नहीं है, लंबा स्पोर्ट नहीं, बकेट्स हैं वो लंबा, तो उसमें भी नहीं है बकेट सीट्स हैं। अच्छा, इसलिए सीटिंग कैपेसिटी की अगर बात करें, क्योंकि ये देखने में मुझे साइज वाइज ऐसा लग रहा था कि एक्वा को थोड़ा सा ऊंचा कर दिया। नहीं, सीटिंग कैपेसिटी इसके अंदर प्रॉपर 4% की है, ठीक है, वो भी सीट की डिजाइनिंग की वजह से, वरना ये आप स्पेस के हिसाब से देखें तो ये प्रॉपर सेडान के साइज की जा रहा है। बूट कैपेसिटी भी इसकी ठीक है, बट इसमें व्हील नहीं आता। अच्छा, स्पेयर व्हील नहीं है, ठीक है, तो इसमें रन फ्लैट टायर है। रन फ्लैट टायर। अच्छा, इसके जो कर्स है, ये जो इसका भी आ रहा है बीच में पावर के, जो स्टोरेज का भी अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ, 12 है, छोड़ दूंगा तो माइनस में चला जाएगा। ये कर्स के जो लेवल है, इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं जी जी, हाई लो जी जी, वो यहाँ से होगा, वो इसकी स्क्रीन में से होते हैं, इसमें ऑप्शन हैं सारी, ठीक है। ड्राइविंग मोड्स में जाएंगे ना, अभी ये नॉर्मल पे चल रही है, जब हम स्पोर्ट्स पे जाएंगे तब भी वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। और वन पैडल ड्राइव बहुत अच्छी चीज़ है, जब आप और गाड़ी का रिस्पॉन्स उसके लिहाज से चेंज होगा, स्टीयरिंग भी इसका चेंज होता है, ठीक है, वो तो ऑब्वियसली जिस मोड में होगा उस लिहाज से जाएगा। उसके अलावा जो इसकी स्क्रीन है, इसकी यूजेबिलिटी ठीक है, तंग करती है इसमें एप्पल कारप्ले एंड्रॉइड ऑटो दोनों वायरलेस है? नहीं, वायर्ड है, दोनों वायर्ड है, दोनों वायर्ड। अच्छा, और ये जो अक्सर पाकिस्तान में जो गाड़ियाँ आती हैं, ज़्यादातर उसमें होता है जब आप फ़ोन पे बात करते हैं तो पीछे वाला कहता है आवाज़ नहीं आ रही, बहुत ये बहुत अच्छा है इसका साउंड। अच्छा, बहुत अच्छा, क्योंकि आप पहले एचएस और यू यूज़ करें, 200 उनसे कितना कंपैरिजन में कितना बेहतर हो? उनसे बहुत बेहतर है, ये सिस्टम इसका बहुत एडवांस है, यानी ये जो इसका रडार है, ये देखे ना, वो बता गुजरा तो वो ब्रेक लगा देती है, वो आपकी आंखों में आंखें देख रहा था, हाँ, तो आंखें दिखाओ। अच्छा, इस गाड़ी की एक खास बात ये है कि ये पाकिस्तान की पहली डिलीवर कार है जो कस्टमर को डिलीवर की थी। उनके साथ मैंने रिक्वेस्ट की थी कि 12 को मेरी मिसेस की ना सालगिरह होती है, सही है, तो मैंने उनसे कहा था अगर आप मुझे दे दें तो बहुत बड़ा सरप्राइज़ होगा, तो उन्होंने दे दी मुझे ये एमजी के लिए। मैं बल्कि कहूँगा उनको आपके पैनल से। अच्छा, थैंक्स, उन्होंने आपका अच्छा वो पूरा किया ख्वाब। ये वही गाड़ी है जो सब लोगों ने डिस्प्ले में देखी थी, उन्होंने वो मुझे दे दी। ये जो इधर स्टीयरिंग पे बटन बने हुए हैं, ये तो वॉइस कमांड आ गया, ये फोन का है, ये आपने बता दिया मोड्स का है, ये जो स्टीयरिंग बना हुआ है, ये ऑटो वो जो एडॉप्टिव क्रूज का बटन, ये क्रूज का बटन आ गया, एंड दिस स्टार अगेन, दिस इज वही, ये क्विक बटन्स हैं दोनों तरफ, ठीक है। स्टीयरिंग भी ठीक है, स्टीयरिंग की शेप बड़े मजे की, बड़ा मॉडर्न स्टाइल का है, और गाड़ी में लैग तो ऑब्वियसली कोई नहीं है बिकॉज ये इलेक्ट्रिक है। तो बिल्ड क्वालिटी वाइज भी मुझे लगता है कि अगर जो आप पहले दो गाड़ियां बता रहे हैं 200 और MGHS, उससे बिल्ड क्वालिटी भी इसकी बेहतर है, बहुत बेहतर है ना, क्योंकि बाहर की नॉइज़ कोई नहीं आ रही। मैंने भी दोनों गाड़ियां रखी है, उसमें ज़रा बाहर का शोर आता है आपको जी, इसमें मुझे कोई बाहर की आवाज़ कोई ऐसी चीज़ नहीं आ रही। आर यू वन ऑफ दोज पीपल, आपने यानी पैसे बचाने के लिए ली थी कि इलेक्ट्रिक की पावर के लिए ली थी? नहीं, मैंने इलेक्ट्रिक की पावर के लिए ली थी। ग्रीन का तो कोई नारा नहीं था कि मैं गो ग्रीन करूंगा, एनवायरनमेंट फ्रेंडली होगा? बिल्कुल था, बिल्कुल। अच्छा है, तो आपको लगता है कि गो ग्रीन का नारा ठीक है? बेहतरीन है। अभी ये गाड़ी मैंने बाहर ये जो कमर्शियल चार्ज है ना, उसमें सिर्फ 2 दफ़ा चार्ज किया, वो भी चेक करने के लिए करती है, क्योंकि मैं घर पे ही चार्ज करता हूँ। अच्छा, घर वाला चार्जर बड़ा स्लो दिया है, बहुत पेनफुली स्लो है। 17 घंटे का मतलब ये कि एक दिन चलाओ और एक दिन चार्ज करो, लेकिन आप सारी खत्म ही नहीं कर सकते शहर में एक दिन में बैटरी। नहीं, लेकिन फिर भी पॉइंट ये है कि 17 उन्होंने दी। कितने किलोवाट का चार्जर है? 1 किलोवाट का। और बैटरी कितनी है? 51 किलोवाट की। ओए होए होए होए, तो 51 तो 17 घंटे में भी नहीं होगा यार। मैंने तो मेरा ख्याल है 3 किलोवाट का चार्जर है इनका, और 51 वाला जो है वो तकरीबन आप उसको 3 से डिवाइड कर लें तो 17 घंटे तक बनता है। बिल्कुल, 3 किलोवाट का चार्जर है पहले इनका, और अगर आप लैदा लेने जाएं तो 8 किलोवाट वाला लेना पड़ता है, खरीदना पड़ता है। 7 किलोवाट आर का चार्जर है, 4,70,000 रुपये उसकी प्राइस दी है उन्होंने। ये तो मतलब घर पे तो नहीं कर सकते चार्ज, जो कमर्शियल की है वो कितनी देर में चार्ज होगी? वो ये टाइम देती है 60 मिनट, लेकिन चार्ज हो जाती है 40 मिनट्स में, 50 to 100 40 मिनट्स में। और चार्जेस क्या है उसके?
उसके चार्जेस हैं, मैंने मेट्रो से करवाया, उनका 18 रुपीज पर यूनिट चार्ज करते हैं वो, तो 28 यूनिट डले थे, 30 भी हो तो 2400 रुपए बन गए, 2400 रुपए, 2400 रुपए में आधी बैटरी जी, 4800 रुपए में फुल, 4800 रुपए में 300 किलोमीटर चली, ऐसे ही है ना जी, तो पर किलोमीटर कॉस्ट तकरीबन 1.5 रुपए के करीब आ गई, तो 4500 बन गया, वो उस लिहाज से तो कॉस्ट वाइज तो अभी इफेक्टिव है बढ़िया है। आज से 3 साल 4 साल पुरानी आप यारिस ले लें ना, वो यारिस कह रहा हूँ, टोयोटा एक्वा ले लें जी जी सर, सर ये देखा, ये उसने गाड़ी ने ब्रेक लगाई थी, गाड़ी ने ब्रेक लगाई, उसने हाथ दिया, उसके हाथ से एकदम ब्रेक लग गया, ये कह रहा रुक, पीछे वाले की मेहरबानी ये है कि उसने जो है ब्रेक लगा ली, बिकॉज मैं उसकी हाथ देखे, मैं आहिस्ता ब्रेक करता, खुद ही ब्रेक कर दी, तो ये बंद नहीं हो सकता, बंद हो सकता, ये तो बड़ा डेंजरस है यार, ये तो अभी मतलब अच्छा ये प्रोग्राम बढ़ने लगा, पहली दफा वो हुआ है, अभी प्रोग्राम बढ़ जाना था, मैंने भी देखा कि इसने इतनी जोर से ब्रेक लगाई, वरना ये बस एक ब्रेक दे के, क्योंकि वो आगे गुजरने के बजाय उसका ज्यादा जोर इस बात पे था कि मेरे पावर को देखो, देखो पावर इधर लिखा है, ड्राइवर लिखा है, चलेगा पावर लिखा है। इसके साथ आपको वारंटी कितने अर्से की मिली है? 7 ईयर्स की इसकी बैटरी की वारंटी है, और 150,000 की किलोमीटर्स की इसकी बैटरी की वारंटी है, यानी जो बच एवर कम फर्स्ट, नहीं नहीं पहली भी बैटरी की थी, दूसरी बैटरी की, एक फर्क क्या हुआ? मोटर और बैटरी दोनों ही। 7 ईयर्स और 150,000 किलोमीटर विच एवर कम्स फर्स्ट, और पार्ट्स के आपने चेक किए? क्योंकि HS के भी जो कस्टमर थे, कई उनको काफ़ी इतराज़ था कि जी हमारी गाड़ी जो कभी ख़राब होती है तो पार्ट्स नहीं मिलते और डीलरशिप्स कम हो रही हैं, इस बारे में कभी कुछ सोचा? जी उन्होंने पहले ही बता दिया था कि इसके साथ ये ज़रूर आएगा कि आपको पार्ट्स की अवेलेबिलिटी जो है ना, जो मेन मेन पार्ट्स हैं जैसे लाइट्स हैं, बम्पर्स हैं, बोनट्स हैं, वो तो हमारे पास अवेलेबल हो गए हैं, चार्जर्स अवेलेबल हैं, लेकिन अगर कोई ऐसा पार्ट ख़राब होगा जो कि नहीं होगा, तो उसके लिए हमें 30 डेज़ का टाइम रिक्वायर्ड होगा। अच्छा, वैसे तो ये सर्विस फ्री गाड़ी होती है इलेक्ट्रिक गाड़ी ना, इसमें कोई ऑयल है, ब्रेक के अलावा और कोई सर्विस नहीं होनी, लेकिन ये असल में यही है कि बिकॉज ऑडी वाले भी ये कहते थे, फिर वो कंप्यूटर लगाने के नाम पे 15-17 हज़ार हर मेंटेनेंस पे लेते हैं, इन्होंने भी ऐसा कोई सिस्टम डाला है कि नहीं? डाला, बिल्कुल डाला हुआ है, डाला हुआ है। हाँ जी, उन्होंने कहा था कि इसकी एक सर्विस आएगी, वो हम आपको बता देंगे कि कब आएगी। पैसों के साथ FOC? पहली वाली फ्री है, उसके बाद टीका लगेगा, उसके बाद टीका लगेगा, उसके अंदर वो कह रहे थे कि लेकिन वो टीका सिर्फ तब लगेगा जब उसमें कोई ख़राबी होगी, अगर ख़राबी नहीं होगी, और इसमें सिर्फ चेक क्या करने हैं, फ्लूइड्स इसके हैं, बैटरी के कूल करने का, और इसकी एसी के जो फ्लूइड्स हैं उनको कूल करने, चेंज करने के अंदर कमी भाई नहीं, खुदा का वास्ता ना आगे नहीं है, ब्रेक ला देगी तो उसके लिए सिर्फ ये चार्ज करेंगे, वरना कोई चार्जेस नहीं है। अच्छा, लेकिन बाकी मेरा ख्याल है अगर चार्जर की वो जो है ना स्लो ना देखें, वो एक मेरा ख्याल है बड़ा डिसअपॉइंटमेंट थी, बाकी तो आई थिंक एवरीथिंग वाज अ प्लेजेंट सरप्राइज इन दिस कार, राइट? वेरी 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 प्लेजेंट। इसकी जो सेफ्टी फीचर्स हैं वो कितने को है, ट्रैक्शन कंट्रोल और ये, वो कितने एयर बैग हैं इसमें? 6 एयरबैग्स हैं। अच्छा, और हर चीज़ है इसमें जो इस वक्त दुनिया में है, शायद ज़्यादा ही हो सबसे, क्योंकि MG इस मामले में UK की है तो हर चीज़ का ख्याल रखता है। वैसे भी मेरा ख्याल है इसको अगर देखा जाए तो UK में इसको इलेक्ट्रिक जो MG4 है, इट वॉज द मोस्ट सेलिंग कार ऑफ द ईयर, मोस्ट ब्यूटीफुल इलेक्ट्रिक कार। अच्छा, ये पुराने ज़माने का पीला, ये मैं अभी बहराम भाई से बात कर रहा था कि उन्होंने ये इतनी बुरी हरकत की है कि सिर्फ बेस होने की वजह से येलो कर दिया, हालांकि इसमें LED लाइट्स आती हैं जो स्लो रन करती हैं। दूसरे वाले में वो है जी? अच्छा, ये बता, अजीब सी बात, बहुत फजूल। ऑटो डिमिंग मिरर आ गया? नहीं, मैनुअल डिमिंग है इसकी, क्योंकि ये बेस बड़ी छुपा के मैनुअल रखी है, देखने में लगा ऑटो है ये। आपने बड़ा डीप एनालिसिस किया है गाड़ी का, इसका मतलब है, मैंने तो क्योंकि फर्स्ट लुक रिव्यू किया था, उसके बाद मैंने अभी आज पहली बारी से बैठा हूँ। ये ब्लू स्टिचिंग भी यहाँ पे कहीं नजर आई है मुझे? जी जी, ये हुई है, बहुत प्यारी है ये, तो इसका इंटीरियर ऑल ब्लैक है तो इसलिए इंतहाई खूबसूरत है। RS टर्बो में भी मुझे यही पसंद आया था कि उसका इंटीरियर ब्लैक था, तो वो अंदर बैठ के आप घूम जाते हैं, इसमें वो मिल गया तो मेरी एक और भी वो पूरी हो गई थी। तो यू आर हैप्पी विद दिस परचेज? वेरी वेरी हैप्पी। और तकरीबन महीना आप कह रहे हो गया? जी ऑलमोस्ट। थोड़ा सा इसको चला के उठा के देखते हैं, ठीक है यार, पावर भी अभी आप इको पे चला रहे हैं? मैं इको पे देख रहा हूँ, इसलिए कि एक तो मतलब बिल्कुल क्रेजी मोड पे ना बंदा चलाए, लेकिन इट्स गुड। अभी एक दो ये जो दादी माँ फंक्शन थे जो इसने खुद अभी ब्रेक लगाई है, ये थोड़ी इरिटेटिंग था। और कोई चीज़ जो आप गाड़ी में मिस करते हो या आपको होता हो कि यार ये भी डाल देते? एक तो आपने बत्ती कह दिया कि पीली की जगह सफ़ेद होती है, और रूफ शूफ का तो नहीं कोई शौक? नहीं, रूफ का कोई शौक नहीं, क्योंकि इतना थ्रस्ट है, आप रूफ से निकल ही नहीं सकते हैं, चोट लगने के डर होता है। आप देखें किसी भी इलेक्ट्रिक गाड़ी में सनरूफ नहीं आती है सिवाय हमर के, जो भी इस तरह की इतनी थ्रस्ट वाली गाड़ियाँ हैं जो नॉट 200 कर रही हैं पाकिस्तान में। तो वैसे थ्रस्ट वाली ना भी हो, मैं तो कहता हूँ भजन बाहर निकल के स्मॉग लेना इसको, कभी फार्म हाउस वाली साइड पे या कच्ची सड़क पे ले गए, अच्छी मतलब देखें नई सड़क पे नई गाड़ी तो सस्पेंशन सही बता रही होती है, लेकिन इसका कोई रिस्पॉन्स? सस्पेंशन बहुत अच्छा है, आप देखें फील करें, हालांकि इसमें 17 का रिम है फिर भी बहुत अच्छी फील है। इसके रिम के ऊपर एक उन्होंने कैप भी लगाए हुए हैं जी जी। मेरा जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है दोनों गाड़ियों का रिम का साइज सेम है,
फिर कैब फर्क है? नहीं नहीं नहीं, उसका 19 का, उसका 19 का, उसका 18 का रिम है, इसका 17 का रिम है। अच्छा, मुझे लगता था कि दोनों के कवर सिर्फ फर्क है। तो अभी यानी आपने बताया कि ऐसी कोई चीज़ नहीं जो है कि आप कहें यार मैं इसमें मिस करता हूँ, इट्स अ कंप्लीट कार। तो जो लोग देख रहे हैं अगर वो लेना चाहते हैं तो आपकी तरफ से गो अहेड है कि ले लीजिए। बिल्कुल, अगर उनको कोई नई चीज़ चाहिए और वो गो ग्रीन होना चाहते हैं और बहुत ज़्यादा फन के साथ, तो फिर ये 100% गो अहेड है। आई थिंक दीज इलेक्ट्रिक कार्स आर लाइक अ टॉय। आप इसकी क्रॉल चेक करें, आप इसके पैडल छोड़ें और इसको 1 की स्पीड पर चलाएँ, आप कहेंगे यार ये अपने में एक स्वैग है। हाँ, मगर इसका वैसे जनरली जो भी इतनी भी इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ ना, ये एक टॉय होती हैं। आप इसके अंदर इतनी चीज़ें आपको मिल रही हैं, एक नई फील है। पुराने ज़माने में होता था कि यार आपकी गाड़ी का इंजन अब स्टार्ट होगा, अब ये ठंडी है, अब ये गर्म है, अब ये है वो है, वो सारी चीज़ें उन्होंने ख़त्म कर दी हैं। जस्ट लाइक इंस्टेंट रिटर्न है। वरना अगर आपको V12 का शौक़ है तो आप ये चला लें, और अगर आपको ग्रीन आने का शौक़ है तो आप इस पे आ जाएं। और मेरे ख्याल से अगर देखें इंसान को ना फेयर बात करनी चाहिए। सो मेरा पहला इंप्रेशन भी इस गाड़ी के बारे में ये था कि बहुत अच्छी है, और आज भी मैं जब इसमें बैठा हूँ, मैंने चलाई पहली बारी है, पहले खाली जो उसका फर्स्ट लुक रिव्यू किया तब देखी थी, तो आई एम एक्चुअली इंप्रेस्ड कि इसकी जो है ना, मुझे इसकी ड्राइव भी पसंद आई। मैंने ZS EV भी चलाई हुई है, मुझे समहाउ इसकी ड्राइव उससे बेहतर लगी। ZS EV जो है ना, वो आपको कहीं ना कहीं खड्डों पे उसका एक ऐसा रिस्पांस, एक नेगिंग आवाज़, डग डग फील आती थी कि आप कुछ चीज़ चला रहे हैं। खास तौर पे इलेक्ट्रिक गाड़ियों में सबसे ज़्यादा मसला ये होता है कि जब आप चलाते हैं ना, उनका वेट इतना होता है कि जब आप ब्रेकिंग करें तो आपको लगता है पता नहीं आपको कंधे पे कोई चीज़ उठाई हुई है। मैं ईट्रॉन जब चलाता था ना, तो मुझे ब्रेकिंग होता था यार पता नहीं इतनी बड़ी चीज़ है, ये रुकेगी कि नहीं रुकेगी। इसकी बैटरी बैक जो है ये पिछली सीट के नीचे है जी, ये लेकिन जो है ना ये यहाँ पर नज़र आ रहा है, यहाँ से नज़र नहीं आ रहा मुझे। अच्छा जी, ये जो है डायनामिक है, स्टैटिक नहीं, अच्छी बात है, गार्डिंग लाइंस। और उसके अलावा पार्किंग सेंसर एड कर लेते हैं। 360 खैर अब आधे से आगे आदत होती जा रही है, आई थिंक वन कैन लिव विदाउट 360 का तो कोई इशू नहीं है। बाकी भी जो लल्ले तल्ले दोनों गाड़ियों में डिफरेंस है, 13-9 वो भी चलेगा। बेसिक जो डिफरेंस है वो 100 किलोमीटर की रेंज का, राइट? वो और 100 किलोमीटर मेरे ख्याल काफ़ी रेंज है। वही बात है, अगर आपके पास वो होगी तो फिर कंफर्टेबली आप यहाँ से इस्लामाबाद तक जा सकते हैं विद अ सिंगल चार्ज। बिल्कुल ऐसे। सो ये था रिव्यू, आज का रिव्यू। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि आपको तमाम आने वाली वीडियो के बारे में नोटिस मिलता रहे। आपसे अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने कीर्तन वाक्यों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।